चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से एसक्यूएल फोटो सीरीज स्टार्ट करते हैं और हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। हमने देखा है एक्सप्रेशंस, हमने देखा है ऑर्डर बाय क्लॉज एंड कई और बहुत सारे वेयर क्लॉज देखे हैं और बहुत सारे कई तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो अभी हम 42nd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे हम यहाँ पे तीन मेन टेबल यूज़ कर रहे हैं। देखिए, एक एम्प्लॉय टेबल है, ईएमपी टेबल है और यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल है और ये फिर सैलग्रेड टेबल है। अभी तक सैलग्रेड टेबल का हमने इस्तेमाल किया नहीं है, मोस्टली इन दोनों टेबल पे ही हम अभी काम कर रहे हैं। और फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल जब डीवीवर में मैंने ऑरेकल कनेक्ट कर रखा है या फिर यहाँ पे एक सैम्पल डेटाबेस आपको कनेक्ट करना सिखाया था। और अगर आपने वो सीखना चाहते हैं तो फिर आप दूसरे चैनल जो टेकी कृष्णा काइकिंग वाला चैनल है, इंग्लिश वाला चैनल, उसमें जा करके देख सकते हैं कैसे हम सैम्पल डेटाबेस बना सकते हैं। और मैंने क्वेरीज भी दी हैं डेटा इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट कमांड्स भी दिए हैं और आप वहां से कर सकते हैं डिटेल्स में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर, तो सेलेक्ट फ्रॉम ईएमपी कर देता हूँ मैं पहले। ठीक है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, डीपीटी नंबर कमा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन आएंगे। एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बोला है ना, तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, काउंट क्या करेंगे, काउंट स्टार कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, बट क्या बोला गया है, वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, वर्किंग इन ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। लोग अपने अपने डिग्री के हिसाब से खड़े हो जाओ, तो वो अपने आप में क्या करेंगे, या फिर मैं क्या करता हूँ, जो भी अब आर्ट्स का है लेफ्ट साइड में आ जाओ, जो भी इंजीनियरिंग का है वो राइट साइड में आ जाओ, तो इस तरह के मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप क्लग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, तो जो जिस डिपार्टमेंट का है वो उस डिपार्टमेंट ग्रुप हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रन करेंगे हम ये, देखिए डिपार्टमेंट 10 तीन लोग हैं, डिपार्टमेंट 20 पाँच लोग हैं, डिपार्टमेंट 30 छः लोग हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नहीं तो काउंट स्टार आ रहा था, अच्छा नहीं दिखता। तो इस तरह से हम प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो अभी ग्रुप बाय क्लॉज में कई क्वेरीज हैं लिखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा आइडिया आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए तो आपको नॉलेज बढ़ेगा और प्रैक्टिस भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। डिस्प्ले द वेरियस जॉब्स एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद इन ईच जॉब। ठीक है, तो सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी कर देता हूँ तो ऑटो पॉपुलेट होगा। तो सेलेक्ट जॉब कॉमा फिर सेम काउंट और स्टार कर देंगे फ्रॉम ईएमपी। ग्रुप बाय क्या करना है, ग्रुप बाय जॉब ही करना है। ठीक है, तो ये रन कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया हर एक जॉब के लिए कितने कितने लोग हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बाय जॉब। ठीक है, जॉब के हिसाब से, जी बी भी नहीं, जॉब भाई जी ओ भी। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बाय जॉब। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे, हर जॉब के हिसाब से कितना काउंट है वो कर रहे हैं। ठीक है, आप आपका एक जब ग्रुप बाय यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी, जब भी आप ग्रुप बाय यूज़ करेंगे आप ऐसे यहाँ पे आप कोई यहाँ पे कोई और कॉलम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे ग्रुप बाय किसी और से कर रहे हैं ना, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कर देता हूँ डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, ऐसे मैंने डिपार्टमेंट नंबर कर दिया, अभी ना ये एरर दे देगा। ठीक है, तो ग्रुप बाय क्लॉज किस पे लगाया, जॉब पे लगाया, आप डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट कर रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो आप जिससे ग्रुप बाय करना चाहोगे वही आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी आउटपुट आएगा। यहाँ पे एक ग्रुप बाय फंक्शन का एक ड्रॉबैक है,
ठीक है, तो उस इस इशू को कैसे सॉल्व करेंगे हम आगे चल के, आगे किसी और वीडियो में और या फिर किसी और क्वेश्चन में जब वो आएगा कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे मैं सिखाऊंगा कि हम इससे कैसे डील करेंगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, 44 पे चलते हैं। डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नंबर एंड टोटल सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, टोटल सैलरी है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, पहले ही फ्रॉम ईएमपी कर देते हैं तो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट सेम डिपार्टमेंट नंबर कॉमा सम ऑफ सेल। ठीक है, सम ऑफ सेल करेंगे। ठीक है, टोटल सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट है तो इसलिए सम ऑफ सेल कर देंगे। एंड सेम ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, थोड़ा नीचे लेंगे। ठीक है, ये रन किया तो हर एक जो डिपार्टमेंट है उसके सैलरी, टोटल सैलरी कितने उनके एम्प्लॉयज़ को पूरे टोटल दिए जा रहे हैं वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नंबर एंड मैक्स सेल फॉर इस डिपार्टमेंट। ठीक है, मैक्स सेल है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर मैक्स ऑफ सेल, मैक्स ऑफ सेल। ठीक है, मैक्स एक फंक्शन है अपने आप में ओरेकल में, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में मैक्स सैलरी क्या है वो पता चल जाएगा। ठीक है, मैक्स मिन एवरेज, मैक्स मिन एवरेज काउंट, ये सब एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ये सब आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं पता है और आप वीडियो चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, पर कमेंट्स में आपको लिखना पड़ेगा कि क्या कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन पे एक वीडियो बनाइए, तो मैं पक्का जरूर बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, डिस्प्ले द वेरियस जॉब्स एंड टोटल सैलरी फॉर ईच जॉब, सेलेक्ट फ्रॉम ईएमपी कर देंगे पहले, सेलेक्ट जॉब जॉब कॉमा सम ऑफ सैलरी, टोटल सैलरी फॉर ईच जॉब है ना। ठीक है, ग्रुप बाय जॉब, ये आ गया, ये है टोटल सैलरी फॉर ईच जॉब। ठीक है, हर एक जॉब में टोटल सैलरी कितना, तो इसलिए सम लगा देंगे। डिस्प्ले द वेरियस जॉब्स एंड मैक्स सैलरी फॉर ईच जॉब। ठीक है, चलिए ये भी सेम है। एक्चुअली देखा जाए ना, हमने डिपार्टमेंट के लिए किया था ना ये मैक्स सेल, तो ये भी अगर मैं कॉपी कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, यहाँ चेंज क्या करेंगे, ईच जॉब है ना, तो यहाँ पे इस जॉब को चेंज कर देंगे और यहाँ पे भी जॉब को चेंज कर देंगे। ठीक है, काम बन गया। ठीक है, सेलेक्ट जॉब ऑफ मैक्स सेल। ठीक है, अगर आप फिर से चाहते हैं मैं लिख देता हूँ यार, सेलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, जॉब कॉमा मैक्स ऑफ सेल। ठीक है, मैक्स सैलरी जी एंड ग्रुप बाय जॉब। ठीक है, ये आ गया एकदम तगड़ा। डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नंबर विथ मोर देन 3 एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, ये भी तगड़ा है। देखिए ध्यान से देखिए, ऐसा डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट कीजिए जिसमें एम्प्लॉयज जो हैं मिनिमम 3 एम्प्लॉय से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट कर देंगे फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। हैविंग क्लॉज आ जाएगा। ठीक है, हैविंग काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 3 बोला ना, यहाँ पे मैं काउंट भी लगा देता हूँ। ठीक है, एक बार काउंट स्टार लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ जिस डिपार्टमेंट में 3 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे मैं 2 कर दूँ तो 3 वाले भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 पूछा है ना, 3 एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, तो ये 2 डिपार्टमेंट आ गए। ठीक है, हैविंग क्लॉज कहाँ आएगा, जो एग्रीगेट फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं और कंपैरिजन करने के लिए। यहाँ पे काउंट क्या आ गया, ये एग्रीगेट फंक्शन है, तो ये जो एग्रीगेट फंक्शन हम यूज़ करना चाहते हैं कुछ फिल्टर लगाने के लिए, तो हम क्या कर देंगे, हैविंग क्लॉज यूज़ करेंगे। हैविंग क्लॉज कब यूज़ करेंगे, नहीं तो वैसे तो वेयर क्लॉज यूज़ कर सकते थे, बट वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे हम डिटेल डेटा पे करेंगे। ठीक है, जैसे कि डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन हो गया, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू हो गया, या नेम हो गया, ऐसे कुछ भी चीज़ है, कोई स्पेसिफिक कॉलम है जो हम स्पेसिफिक कॉलम पे हम बस फिल्टर लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे। बट जब एग्रीगेट फंक्शन पे हैं कि 3 एम्प्लॉय से जाना होता है, अब मैं 3 एम्प्लॉय काउंट करूँगा ना, तो काउंट करूँगा तो वहाँ पे हैविंग क्लॉज आ जाएगा। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन जहाँ पे आएगा कंपैरिजन करना है, फिल्टर करना है, तो वहाँ पे हम काउंट यूज़ करेंगे।
ठीक है, डिस्प्ले द वेरियस जॉब्स अलॉन्ग विथ टोटल सैलरी फॉर ईच जॉब, वेयर टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000। ओके फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, सेलेक्ट वेरियस जॉब अलॉन्ग विथ टोटल सैलरी और ईच जॉब का टोटल सैलरी इज ग्रुप बाय जॉब होगा, ठीक है, सोलो फिर हैविंग टोटल सैलरी ना सम ऑफ सैल जो है ग्रेटर देन 40,000, कोई भी नहीं है सर, 4,000 करके देखते हैं यार, कोई तो 4,000 से ऊपर है, तो यहाँ 40,000 दिया ना, 40,000 के ऊपर तो कोई है नहीं, तो 4,000 कर दिया, चलिए 10,000 करके देखते हैं, 10,000 भी है ही नहीं यार, 5,000 करता हूँ, 5,000 करा तो हुआ, ठीक है, यहाँ 40 दिया है, 40,000 का कोई है नहीं, आउटपुट आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने 5,000 किया है, तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा आएगा। तो आप ग्रुप बाई क्लॉज और हैविंग क्लॉज समझ गए हैं, तो इस तरह हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे ही नया टॉपिक आएगा तो हम वीडियो क्लोज करेंगे, ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, जब भी आपको डाउट होता है प्लीज़ कमेंट से पूछना जरूर, मैं कोशिश करूंगा पूरा आपका आंसर करने का, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं शायद एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, डिस्प्ले द वेरियस जॉब्स अलॉन्ग विद टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच जॉब, ग्रुप बाय जॉब कर देंगे, सेलेक्ट वेरियस जॉब अलॉन्ग विथ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, आउटपुट शुड कंटेन ओनली दोज जॉब्स विथ मोर देन 3 एम्प्लॉयज, ठीक है, यहाँ पे देखिए द आउटपुट शुड कंटेन, नहीं बोलते द आउटपुट कंटेन ओनली दोज जॉब्स विथ मोर देन 3 एम्प्लॉयज, ठीक है, मोर देन 3 एम्प्लॉयज है ना, ठीक है, तो फिर से हैविंग यूज करेंगे, हैविंग काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 3 एम्प्लॉयज ना, ठीक है, और अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता हूँ, मैं बस ये रन कर देता हूँ, देखिए कैसा आ रहा आउटपुट, यहाँ पे देखिए 2, 3, 1 ये सब नहीं आएंगे, ठीक है, तो इसलिए ग्रेटर देन ऐसे करते हैं, तो बस 4 वाले आ रहे हैं, ट्रक सेल्समैन, वेरी गुड, डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज हु अर्न्स हाईएस्ट सैलरी, डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु अर्न्स हाईएस्ट सैलरी, अगेन दिस इज कैन बी अ ग्रुप बाय क्लॉज और सब क्वेरीज आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हम 50 क्वेश्चन पे स्टॉप करेंगे और सब क्वेरीज आएगा, तो इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे, चलिए आपको मज़ा आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड ऑल्सो अगर आप क्या कहते हैं आप अगर SQL का बूट कैंप चाहते हैं तो 1000 सब्सक्राइबर जल्दी ख़त्म कर दीजिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीक अनाउंसमेंट किया था 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो एक SQL का बूट कैंप लाऊंगा, तो 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कर दीजिए, और इंग्लिश चैनल में भी एक और प्रोजेक्ट की बात चल रही है, तो वहाँ पे भी अगर आप 1000 सब्सक्राइबर कर देते हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्ट भी का भी आ जाएगा, और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं 1-on-1 लाइव बात करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दे रखा है, मेरे साथ 1-on-1 बुक कर सकते हैं, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आप जा करके देखेंगे, मेरा कैलेंडर मिलेगा, वहाँ पे आप अपना टाइम के हिसाब से हाफ एन आवर 1 आवर जितना भी आपको टाइम चाहिए उस हिसाब से आप फिक्स कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे करियर रिलेटेड हो सकता है, आईटी रिलेटेड हो सकता है, आपका करियर गैप है क्या करें, या फिर आपको नॉलेज चाहिए इंटेल टेस्टिंग पे, या फिर मॉक इंटरव्यू चाहिए इंटेल टेस्टिंग पे, उस पर कुछ भी चाहिए आपको, इस तरह से आप मेरे से बात कर सकते हैं, वहाँ पे टाइम बुक कर सकते हैं, फिर हम दोनों बात कर सकते हैं कॉल पे, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, और आप जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं, और मेरे को प्लीज़ इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में एंड फेसबुक में फॉलो करना ना भूलिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।